आपको पता है, ये जो आदमी है सुब्रमण्यम स्वामी, अगर ये किसी के पीछे लग जाते हैं और अगर हाथ धो के गलती से लग गए तो अगले को धो देते हैं और वो सीधा जाता है जेल के अंदर, या होती उसकी प्रॉपर्टी सीज, या एसेट्स की नीलामी, या फिर जेल या सज़ा या कुछ भी, बहुत कुछ बहुत बुरा हो सकता है, आदमी बर्बाद भी हो सकता है। तो स्वामी साहब का जो रिकॉर्ड है ना, बहुत तगड़ा वाला है। और अभी लग चुके हैं पीछे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह से। उन्होंने पहले तो ईश्कर भंडारी से ये कहा कि देखो, कि पता करो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्या क्या धाराएं लग सकती हैं, किस किस धारा के अंदर क्या क्या हो सकता है, उन्होंने पहले बोला। अब वो अगला भी लगा हुआ होगा। तो उसके बाद अब उन्होंने डिमांड की है कि क्या खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग क्या ये लोग लॉ के ऊपर हैं, क्या इनके एसेट्स की जाँच नहीं हो सकती, ईडी सीबीआई जाँच नहीं कर सकती। तो उन्होंने डिमांड भी कर दी है भाई कि जाँच हो। तो ये दो चीज़ें हैं। तो अगर स्वामी साहब इन दोनों के पीछे लग चुके हैं, और ये दोनों भी बहुत अच्छे से जानते होंगे स्वामी साहब को इस बात के लिए, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों थोड़ा, दोनों का स्पेसिफिकली मेरा सलमान खान को ये मैसेज है कि हरकतें सुधार लो भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नहीं जानते हो तो मेरे मुँह से सुन के जान लो कि स्वामी साहब से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो और जो सुशांत के साथ किया है, जिस दिन सामने आ गया, और जनता फिलहाल अभी से लग चुकी है कि तो आई पिक्चर टीवी पे आएगी तो कोई देखने वाला नहीं, सिनेमा हॉल तो बहुत दूर की बात है। सलमान भाई का वो जो क्रेज़ है ना, कितना तेज़ी से नीचे चला गया है, चला गया है, जा नहीं रहा है, चला गया है, ये वो लोग भी समझ रहे हैं जो सलमान खान के डाई हार्ड फैन हैं। उसने मुझे अपने मुंह से बताया है कि ऑलरेडी उसको कितना जलील किया जा चुका है सलमान खान को, और कितनी उसकी बेइज्जती की जा रही है। तो वो लोग भी समझ रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि सलमान खान कोई क्या उखाड़ लेगा, मैं फ़ैन हूँ उसका, मैं जानता हूँ कितनी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, सलमान खान का डिक्लाइनिंग फेज़ शुरू हो चुका है, और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का तड़का लग चुका है, और होगी बर्बादी शुरू। जिसको इसको पता है स्वामी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं सलमान खान के साथ, क्या क्या हो सकता है खान्स के साथ, क्या क्या हो सकता है नेपोटिज्म के जो बादशाह बने बैठे हैं, जो हक मार मार के पैसे कमाते हैं, उनका क्या क्या हो सकता है, मुझे उन्होंने बताया। और किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग से कुछ ऐड करना चाहता है तो कमेंट बता सकता है, मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।